युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा 1 जुलाई को महानगर पालिका आयुक्त संजय निपाने को संत कबीर नगर मांडवा झोपड़पट्टी यहां के नागरिकों को घर टैक्स लागू किए जाने के लिए निवेदन सौंपा गया। संत कबीर नगर मांडवा झोपड़पट्टी यहां रहने वाले नागरिक विगत 15 से 20 सालों से यहीं पर अपना निवासी स्थान बनाकर रह रहे हैं, जबकि रोज उन्हें कोई न कोई गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई झोपड़पट्टियों में बिजली और पानी पुरोठा के कनेक्शन नहीं होने से किसी भी घर को टैक्स लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए मांडवा झोपड़पट्टी निवासियों ने कई बार निवेदन पानी पुरोठा और बिजली आपूर्ति के लिए किया है, जिस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे विषय की समस्या को जानकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग जया सरदार, शोभा इंगड़े, वासुदेव इंगड़े, सविता सहारे, वंदना गवई द्वारा की गई है। अन्यथा अगर यह मांगे जल्द से जल्द नहीं मांगी गई तो तीव्र आंदोलन करने का इशारा मंडवा नगरवासियों द्वारा दिया गया है। हमें निवेदन दिला युवा स्वाभिमान पार्टी तरफे कि अमरावती मतदारसंघामध्ये जी मांडवा झोपडपट्टी आहे त्या झोपडपट्टीमध्ये संत कबीर नगर त्या झोपडपट्टीचं नाव आहे, त्या झोपडपट्टीमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षापासून जे लोक राहत आहेत तरी त्यांना आजपर्यंत कुठल्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांना घर टॅक्स लावल्या गेलेलं नाही आहे महानगरपालिकेकडून, त्यामुळे त्यांना वीज पुरवठा नाही मिळत आहे, त्यामुळे त्यांना पाणी पुरवठा नाही मिळत आहे। त्यासाठी आज आम्ही 15 दिवसाचं अल्टिमेटम महानगरपालिकेला दिलं, तर येत्या 15 दिवसात या लोकांना न्याय मिळाला नाही तर आम्ही युवा स्वाभिमान पॅटर्नने आंदोलन करू।